दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1000 से कम दिखी है। सोमवार को राजधानी में 805 नए मामले दर्ज हुए, इससे पहले रविवार को 961 मामले सामने आए थे। सोमवार शाम जारी दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राजधानी में 805 नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 1,38,482 हो चुकी है। इसमें से 1,24,254 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं आज 24 घंटे में कोरोना से 17 लोगों की मौत हुई। इस तरह अब इस महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 4,021 हो चली है। आपको बता दें, दिल्ली में आज कुल 10,131 सैंपल की जांच हुई है। इसमें से 3,904 सैंपल की जांच आरटीपीसीआर के माध्यम से हुई, वहीं 6,229 सैंपल की जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से हुई। अब तक दिल्ली में कुल 10,73,802 सैंपल की जांच हो चुकी है। वहीं राजधानी में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 496 है। अस्पताल में कोरोना बेड की बात करें तो राजधानी में 13,578 बेड में से 10,605 बेड खाली हैं। वहीं डेडिकेटेड कोविड सेंटर और हेल्थ सेंटर में 5,971 और 396 बेड खाली हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 10,207 है। इसमें से 5,577 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।